एक गोदी मीडिया तो हम जानते थे, यहाँ तो खरीदी हुई मीडिया, पूरी तरह से बिकी हुई मीडिया, उसको भी हमने अच्छी तरह पहचान लिया, लोग उनका बायकॉट कर रहे हैं। ये सारा का सारा मजाक बना करके रख दिया मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर। उन्होंने शुरुआत तो की थी कह के कि हम डेवलपमेंट विकास के मुद्दे पर राजनीति करेंगे, सब चीजों में फेल पर फेल होते चले गए, पूरी तरह फेल हुए कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और नोटबंदी के बाद तो आज तक उबर नहीं पाए, घिग्गी बन गई उनकी। रामलीला मैदान से सफाई देते घूम रहे हमारे झूठे प्रधानमंत्री। इस बुरी हालत में आज हम सब लोगों को मिलकर के एक आवाज से कहना चाहिए कि हमें ये सांप्रदायिकता की, जातिवाद की राजनीति नहीं चाहिए। पलपल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम, और इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी अग्निवेश जी, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से राय अपनी रखते हुए नजर आते हैं। जहां कहीं भी जुल्म लोगों पर ढाया जाता है, वो उस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए अक्सर नजर आते हैं। तो ये हमारे सत्ता में बैठे लोगों को नागवार गुजरा है, तो कई बार उनके ऊपर हमले करने की भी कोशिश की गई है, पर वो उससे डरे नहीं है, उतनी ही बेबाकी से लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सबके सामने सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके पहुंच जाते हैं। और आज तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए स्वामी अग्निवेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, सबसे पहले पलपल न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरीके से सीए एनआरसी पर सरकार अपने तानाशाही रवैये पर उतर आई है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कल ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार को समर्थन जुटाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ा, तो कुछ दाढ़ी टोपी वालों को इकट्ठा किया गया और आपस में समर्थनकारी वर्सेस प्रदर्शनकारी बनाने की कोशिश की गई। पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए कि सरकार इस समय सकते में, और उन्होंने कदम तो उठाया बड़े जोर शोर से, ये सोच के कि उनकी राजनीति का मुख्य मुद्दा ही रहा है हिंदू के हिंदुत्व के नाम पर पोलराइज करना। उन्होंने शुरुआत तो की थी कह के कि हम डेवलपमेंट विकास के मुद्दे पर राजनीति करेंगे, देश को इतनी रोजगार देंगे 2 करोड़ हर साल, और किसानों को 1.5 गुना जो मूल्य देंगे, आदि आदि बहुत सी बातें की। लेकिन सब चीज़ों में फेल पर फेल होते चले गए, पूरी तरह फेल हुए कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और नोटबंदी के बाद तो आज तक उबर नहीं पाई। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ में जो डिलीवरी होनी चाहिए थी असली लोगों को फ़ायदा, उस पर तो वो नाकामयाब हुए। अब उनके पास एक ही चीज़ बची थी कि कैसे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाओ, तो राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा। अब राम मंदिर के मुद्दे से उनको कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, और भी आतंकवाद ये वो करते हैं। भारत में आपको पता है सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ से रिक्रूटमेंट ISIS को मुंह की खानी पड़ी, बहुत ही कम उंगलियों पर गिने जाने लायक। हमारे इतने बड़े देश से के तुलना में फ्रांस जर्मनी इटली से ज़्यादा लोग रिक्रूट होके गए वहाँ पर, हमारे यहाँ से नाम मात्र के। कुल मिलाकर के उनके पास अब ये मुद्दा आया कि हम कैसे नागरिकता के मुद्दे पर और मुसलमानों को इतना परेशान कर दें कि हिंदू खुश होकर के हमारी तरफ झुक जाएं। ये थी राजनीति का कुल मुद्दा। तो उन्होंने आसाम में शुरू किया इसको, और वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त इनको करारी ही एक तरह से मुंह की खानी पड़ी कि उनकी अपनी सरकार, और दो दो बार कार्यक्रम बनता है प्रधानमंत्री का और वो जाने में असमर्थ होते हैं, वो नहीं जा पाते, कैंसिल करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं गुवाहाटी, लेकिन उसको भी कैंसिल करना पड़ता है। इतनी बुरी हालत वहां उन्होंने खुद अपने हाथों से, जैसे कोई कब्र खोद रहा हो इस तरह से वहां उन्होंने खोद ली आसाम में। अब इनको लगा कि हम यदि पूरे देश में कर दें तो शायद कुछ कामयाबी निकल आए, तो उन्होंने पूरे भारत के अंदर कानून अफरा तफरी में पास किया, नागरिकता संशोधन कानून बना दिया। रातों रात जैसे कोई, इतनी जल्दी थी उनकी, 3 दिन के अंदर ही पेश किया, पास कराया दोनों सदनों से, और राष्ट्रपति कोविंद जी से दस्तखत भी करा लिए।
अब लेने के देने पड़ रहे हैं। अब कुल मिलाकर के सीए के बाद उन्होंने कहा था क्रोनोलॉजी, मतलब एक के बाद एक जो आने वाला, तो एनआरसी आएगा और एनपीआर आएगा। अब घिग्घी बंद गई उनकी, रामलीला मैदान से सफाई देते घूम रहे हमारे झूठे प्रधानमंत्री कि हमने तो एनआरसी पर कोई बहस ही नहीं की, कहीं पर चर्चा नहीं हुई। और उनके होम मिनिस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं कि ये तो आके ही रहेगा, एनआरसी पूरे देश में लागू होके रहेगा, क्रोनोलॉजी है ये, उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बन के रहेगा। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है और गृह मंत्री कुछ और बोल रहा है, इन दोनों में झूठा कौन है? देश की जनता देख रही कि तो शायद दोनों ही झूठे हैं। अब ये बड़ा दुर्भाग्य है जिस देश के सबसे ऊपर बैठे हुए लोग इतना सफेद झूठ बोलने लग जाएं, तो उनकी सही कही हुई बात पर भी विश्वास कम हो जाता है। ये हालात हैं देश के अंदर, बड़ा दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है कि अब इससे बाहर खुद तो निकल नहीं सकते, सांप छुछंदर की गति कि खाएं तो मरे और निगल दें उगल दें तो भी मरे। अब शायद सुप्रीम कोर्ट इनको बचाने का कोई उपाय निकाले तो निकाले, अभी कोई उपाय नहीं है। स्वामी जी, इसी के साथ ये पार्लियामेंट में पास करा लिया जाता है तानाशाही रवैये से, फिर सरकार मिस कॉल नंबर चला रही है समर्थन के लिए, फिर रैलियां भी निकाल रही है, अब समर्थनकारी भी आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी भी आ रहे हैं, तो क्यों सरकार को जब इसने पास ही करा लिया है, जब अपने कानून पर इन्हें इतना विश्वास है, तो फिर ये समर्थन की जरूरत क्यों पड़ रही है उन्हें? वो कह रहे घर घर जाकर के समझाएंगे, घर घर जाके तुम्हें क्या जरूरत थी? और समझाना था तो तुम पहले ही इसको वेबसाइट पे डालते, इस पर चर्चा बहस होती और उसके बाद पास करा लेते। यही 370 के बारे में हमें कहना है, तुम्हें लग रहा था कि वहां कश्मीरियों को फायदा है इससे, तो तुम्हारी तो हुकूमत थी महबूबा मुफ्ती के साथ, उसी समय इसको तुम बड़ा ट्रंप कार्ड की तरह से खेलते, कश्मीरियों देखो कांग्रेसियों ने तुमको ये 370 के नाम पर उलझाए रखा, हम तुम्हें सही फायदा निकाल के दिखाते हैं इसको हटा के, लोग खुश हो जाते और आपको फायदा हो जाता। आप तो इस चोर की तरह से जैसे इधर का इधर का वो सारा जोड़ करके कहीं कहीं से आपने निकाला और राष्ट्रपति शासन लागू करवाया, उसका फायदा, फिर ये धारा का उस धारा का, और फिर आपने 370 हटाया। लेकिन अभी तक आप अपने ही देश के मेंबर पार्लियामेंट को वहां नहीं भेज पा रहे, वहां पर पूरी तरह से इंटरनेट बहाल नहीं कर पा रहे, मोबाइल फोन की सुविधा सबको नहीं दे पा रहे, क्यों? 5 से 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से मुंह छिपाते घूम रहे हैं वहां पर कि लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। सरकार आपकी है लेकिन कोई उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं। आप विदेशों से मेंबर पार्लियामेंट बुला करके सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा का सारा मजाक बना करके रख दिया मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर। और अब कह रहे हैं सीएए को हम समझाएंगे और पक्ष विपक्ष इस तरह से इकट्ठा करेंगे, बहस कराएंगे आदि आदि, हर चीज में इनको विफलता ही विफलता मिल रही है। लेकिन इसमें से जो एक कहते हैं काले काले बादलों में एक जो बिजली कौंधती है, उस तरीके से बिजली की तरह कौन रहा है जनता की ताकत, पीपुल्स पावर, बिना किसी पार्टी किसी नेता किसी लेबल के, क्या औरतें खवातीन और क्या आदमी और नौजवान यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाहर निकल रहे हैं और उनको देख करके एक नई उम्मीद की किरण जगी है। मैं तो अंदर ही अंदर एक जैसे कहते हैं ना इनको प्रधानमंत्री और अमित शाह को धन्यवाद दे रहा हूं कि तुमने अपनी नादानी से कहो या गलत नीतियों से देश के नौजवानों को आगाह कर दिया और वो नौजवान अब तुम्हें किसी भी हालत में बख्शने नहीं जा रहे। तुम कितनी घर घर जाके समझाने की कोशिश करो चाहे कहीं भी, तुम जब अपने ही घर के अंदर खुद आसाम के अंदर समझा नहीं पाए और जब तुमने एनआरसी लागू किया तो 19 लाख लोग उस रजिस्टर से निकल गए। अब 19 लाख में उन्होंने दिखाने की कोशिश तो की थी कि मुसलमान निकल गए, लेकिन 4-5 लाख मुसलमान होंगे तो बाकी के 13 लाख हिंदू निकल गए उसमें से।
और मुसलमानों में से भी कौन, पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, उनका परिवार ही निकल गया उसमें से। तो इस तरह का मजाक वहां उन्होंने बना लिया अपने घर में। तो इसके पोल निकल चुकी है और आज चाहे कितना भी समझाने की कोशिश करें, देश में एक तरह से चिंगारी फैल रही है, तेजी के साथ फैल रही है। और क्या हिम्मत, मैं तो देख करके दम हूँ शाहीन बाग की हमारी बहनों को, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सब बैठे हैं और दिन और रात, और आज 35 दिन होने जा रहे हैं इस भयंकर कड़कती सर्दी जो 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्या गजब, उन्होंने शाहीन बाग नाम, जो हम जैसे लोग कभी गए नहीं थे, मैं तो पहली बार गया वहां, लेकिन दुनिया में आज शाहीन बाग एक नई उम्मीद की किरण जगा रहा। मुझे लगता है कि उसकी देखा देखी अब खुनेजी में शुरू हुआ है, तो कहीं पटना में हो रहा है, कहीं प्रयाग में हो रहा है, सारे देश में शाहीन बाग फैल रहा। तो ये बहुत एक तेजी से जन आंदोलन, जिसको गांधी जी ने एक सपना देखा था, लोक शक्ति का उदय होगा, राज शक्ति के खिलाफ लोक शक्ति खड़ी होगी। तो ये एक बहुत ही एक नई उम्मीद की किरण, आशा की किरण पैदा हुई है। ये बनी रहे लगातार लगातार, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन जनता अपने हाथों में फैसले को तोल करके सही या गलत का फैसला करती चलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हुकूमत में आने वाला इतना बौराएगा, पागल होगा कि लोगों को कुचल सके। शाहीनबाग का स्वामी जी आपने जिक्र किया, दिल्ली हाई कोर्ट भी फैसला सुना चुकी है कि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की जाए, उनकी क्या मांगे हैं, उन मांगों को पूरा किया जाए। पर एक कहीं ना कहीं शाहीन बाग के पूरी मुहिम जो चली हुई है, उसे बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। मॉक कर करके चैनलों पर वीडियो चलाए जा रहे हैं कि जिंदा की आजादी के नारे शाहीन बाग के लोग लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उसे पूरी तरीके से सर्कुलर करने में लगा हुआ है। तो कैसे देखते हैं जो एक साजिश रची जा रही है शाहीन बाग की इस मुहिम को खराब करने के लिए? मैं तो कल शाम गलती से जिस चैनल का मैंने बायकॉट कर रखा था पिछले 5 सालों से, उनके तौर तरीकों से परेशान आ करके, तो उन्होंने मुझे बुझा करके कि 1-to-1 करेंगे आपका, और मुझे बुला लिया। लेकिन जैसे ही मैंने बताना शुरू किया तो कहने लगे शाहीन बाग में ये हो रहा, जिन्ना की और ये वो नारे, ओम का अपमान, स्वस्तिक का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान। मुझे कह रहे थे उसके एंकर साहब कि आप जाइए खुद देखिए स्वामी जी आप कैसे हैं। तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि अर्नब जी मैं हो के आया वहाँ, और मैंने उनके जज्बे को सलाम किया। और वहाँ पर केवल मुस्लिम नहीं है, हिंदू और थे, सिख और थे, आदमी किसान सब बैठे हुए हैं, आप इस तरह से सांप्रदायिक रंग मत दीजिए। और टूट के पड़े सारे जो सांप्रदायिक और लोग बुला रखे थे, उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं बीच में ही अपना उठा करके बाहर निकल आया। कहने का मतलब ये है कि ऐसे एक गोदी मीडिया तो हम जानते थे, यहाँ तो खरीदी हुई मीडिया, पूरी तरह से बिकी हुई मीडिया, उसको भी हमने अच्छी तरह पहचान लिया। लोग उनका बायकॉट कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे तमाम जो भी हैं, जितने भी ऐसे गंदे मीडिया वाले, मीडिया का काम होता है सच्चाई बताना दिखाना, लेकिन जो लोग एक तरफा जानबूझ करके और सांप्रदायिकता का जहर उगल रहे हैं, ऐसे मीडिया का जनता बहिष्कार करना शुरू कर दे, बायकॉट करना शुरू कर दे, तो जाके इनको पता लगेगा। और गांधी जी ने तो यही हथियार दिया एक नॉन कोऑपरेशन का, हम नहीं देखेंगे। जैसे अभी नारा उछल रहा है, कागज नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तुम मेट्रो बंद कराओगे, हम पैदल पैदल जाएंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे। इसी तरीके का, तुम चाहे कितना ही हमें लड़ाओगे लेकिन हम तुम्हारा चैनल नहीं देखेंगे। बस इस तरह से नौजवान आगे आ जाएं, मुझे लगता है कि एक देश में नई आज़ादी की लहर, जिसमें जनता खुद मुख्तार बन रही, खुद मालिक बन रही, आम औरतें बच्चे ये निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, और शुरुआत हुई हमारे जामिया मिल्लिया से, बहुत बहुत शानदार शुरुआत हुई। और वहाँ पर वाइस चांसलर भी उनके साथ हैं, और पुलिस फंस गई वहाँ पे झूठ बोल करके, गोली नहीं चलाई थी, गोली निकल आई उनके बदन में से, और वो बस जलाई, किसने जलाई अभी उसकी जांच आएगी तो पता लग जाएगा। खैर, इस तरीके के आंदोलनों को आज हमें शांतिपूर्ण तरीके से,
फैलाना चाहिए। जितना हम शांतिपूर्ण रखेंगे जन आंदोलन को, युवाओं के आंदोलन को, उतना ही ये तेजी से फैलेगा। और छोटे छोटे बच्चे, साल दो साल से भी कम उम्र के बच्चों को लेके मेरी माएँ मेरी बहनें बैठी हुई हैं, शाहीन बाग हो चाहे कहीं भी, ये है ताकत, जनता की ताकत। उसके ऊपर कोई भी सेना को भी कह दे आज की गोली चलाओ इनके ऊपर, सेना का नौजवान कहेगा मैं नहीं चला सकता, आखिर उसके भी कोई इंसान का दिल है। तो मुझे लगता है कि ये इस ताकत को आज आजमाने का और आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि देश में एक अहिंसक क्रांति जो सत्य पर आधारित हो, सत्य और अहिंसा का जो मंत्र गांधी जी ने दिया था, जो हमें वेदों में मिलता है और जो हमें वैधानियत कुरान शरीफ के माध्यम से मिलता है और सारे मजहबों से मिलता है, उसको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे तो ये कुदरत ने कहो या अल्लाह ने कहो, परमात्मा ने हमारे अंदर ताकत दी है सच के लिए खड़े होने का, खड़े रहने का, उस ताकत को लेके हम लोग आगे। स्वामी जी, इसी के साथ साथ मेरे जहन में सवाल आता है, प्रधानमंत्री और अमित शाह बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि सीए एनआरसी से जो दिक्कत है, हम जो बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान से आए हुए सिख ईसाई जैनी मुनि सभी को रहने की इजाजत रहेगी, घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, और कभी इन्हीं के सबसे अच्छे मित्र रहे प्रवीण तोगड़िया कहते हैं कि 14 करोड़ हिंदुओं को बाहर कर देंगे, तो कैसे देखते हैं जो ये बयान अब खुल करके इनके खिलाफ बोलने। देखिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा हमें तो पता है, ये लागू ही नहीं होगा, है जी। 14 करोड़ हिंदू बाहर चले जाएंगे या किसका क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब जिन लोगों को लेकर के ये बसाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जिस दिन एक तरह से इस कानून को कानूनी ढंग से चालू किया जाता है, अगले ही दिन उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि इतने 30-35-70 हजार हमने पहले से जांच कर ली, पहले से कैसे कर ली तुम, रातों रात में कैसे कर ली। अब लोग वहां पर पूछ रहे हैं कि तुमने हमें पहले बसाया था, आज तक तुमने हमें जमीन का पट्टा क्यों नहीं दिया, कागजी कानून के कागज क्यों नहीं दिए। अब ये सारी चीजें आएंगी और वो रिजर्वेशन भी मांगेंगे, यदि दलित पृष्ठभूमि से हैं, बाहर से आए हैं, तो वो अपना रिजर्वेशन का अधिकार भी मांगेंगे। अब ये सरकार जो है, मैंने जैसे शुरू में कहा, सांप सिसंदर की गति हो गई इनकी, और इन्होंने हर सांप्रदायिक हथकंडे को खेल के देखा है और बुरी तरह उलझते चले जा रहे हैं, और इनके एबीवीपी के नौजवान इस्तीफा दे रहे हैं, जेएनयू के जो पिछड़ी जाति और दलित पृष्ठभूमि के हैं वो कह रहे हैं कि हमको तो ये साफ साफ एक तरह की हिटलर शाही दिखाई पड़ रही है, तालिबानीकरण दिखाई पड़ रहा है, हम इनका साथ नहीं दे सकते। तो गलत लोग छोड़ेंगे, गलत कामों से लोग बाहर आएंगे, और इसका एक अच्छा असर आने वाले दिनों में देश में सच्चे अच्छे इंसान आगे आएंगे और एक नई राजनीति की शुरुआत मुझे यहाँ से दिखाई पड़ रही, वो लोक शक्ति की राजनीति, उस पर मुझे बहुत विश्वास पैदा हो रहा है। स्वामी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि यूपी का जिक्र आपने किया कि जब कोई कानून कोई रजिस्टर तैयारी नहीं हुआ, यूपी के मुख्यमंत्री ने 40,000 लोगों की लिस्ट भेज दी कि जी हमने शरणार्थी ढूंढ लिए हैं जो हमारे यहाँ आए हैं, और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बदतर हालात रहे, 30 से ज्यादा नौजवानों की मौत हो गई, कैसे हुई, यूपी पुलिस बोलती है हमने गोली नहीं चलाई, वो कैसे मरे किसी को नहीं कुछ पता, तो किस तरीके से देखते हैं यूपी में जो सीएम योगी की एक तरफा कार्रवाई रही है। देखिए, कल जस्टिस एपी शाह जी के नेतृत्व में जो 12 लोगों ने सुनवाई की है इस तरह के उत्तर प्रदेश के गोली कांडों के, एक एक चीज साफ हो गई। अकेले फिरोजाबाद में आगरा के पास 6 लोगों को मारा गया, और एक एक को बेचारे खूमचा लगाने वाले साधारण गरीब मजदूर जिनका किसी प्रदर्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, ऐसे लोगों को गोलियों से मारा गया। कोई पुलिस थाने में गया पूछने के लिए, उनको पकड़ पकड़ करके टॉर्चर किया गया। तो इस तरीके के हालात बना दिए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि ये पूरी तरीके से बदनाम प्रदेश हो गया, जो उत्तम प्रदेश होना था वो आज बदनाम प्रदेश हो गया है, और वहाँ मुख्यमंत्री योगी बने हुए हैं। तो ऐसे योगी से लोगों को नफरत होने लगी है कि ऐसे लोग योगी हैं तो भैया भोगी कैसे होते होंगे।
कुल मिलाकर के लगता है कि ये सरकार उलझती जा रही है, हिंसा का प्रयोग कर रही है, पूरी तरह से तांडव नृत्य हो रहा है और जनता त्राही त्राही कर रही है। उत्तर प्रदेश में तो खुलेआम जिस तरीके से, और झूठ और ऊपर से सांप्रदायिकता और हिंसा, यही राजनीति का हिस्सा बनी हुई है। विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत बुरी हालत है। कुछ हजार नौकरियां निकलती हैं और कई कई लाख लोग उसके लिए भाग दौड़ करते हैं और कहीं नौकरियां मिल नहीं रही हैं लोगों को। इस बुरी हालत में आज हम सब लोगों को मिल करके एक आवाज़ से कहना चाहिए कि हमें ये सांप्रदायिकता की, जातिवाद की राजनीति नहीं चाहिए। और तुम मीडिया को इस तरीके से झूठ बोलने के लिए खरीद करके हमें मत परोसो, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। इनके बड़े बड़े मीडिया हाउस फेल हो जाएंगे। आपका ये जो पल पल जैसे वीडियो है या यूट्यूब है, लोग इस पर ज़्यादा यकीन करेंगे, कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये आप सच्चाई बता रहे हैं। और इनके करोड़ों क्या सैकड़ों करोड़ के जो मीडिया खरीदे बैठे हैं उस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा। तो सच्चाई तो सच्चाई होती है और सत्यमेव जयते हमारे राष्ट्र का एक नारा रहा है। तो ये आगे की कामयाबी के लिए एक छोटा सा स्मार्टफोन लोगों के हाथ में आ गया है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका युग है, एक साइंस टेक्नोलॉजी ने वरदान के रूप में दिया है और इसको लेकर के हमारे नौजवान आगे बढ़े। आने वाले दिनों में एक बहुत क्रांति आएगी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सारी दूरियां मिटती चली जाएंगी और देश और विदेश और दुनिया के लोग इससे जुड़ते चले जाएंगे। स्वामी जी, ये तो बात हो गई CA NRC को लेकर के, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और अर्थव्यवस्था के ज्ञानी खुद को कहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि लक्ष्मी जी की फोटो लगा दो नोटों पर तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, यदि इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं तो बहुत ही शर्म की बात है। स्वामी अग्निवेश जी हमारे साथ मौजूद थे, CA NRC को लेकर के बेबाकी से उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया भी और लोगों को समझाया भी कि CA NRC पर हुकूमत किस तरीके से झूठ बोलने पर उतारू हो चुकी है और उस झूठ से बचने के लिए जो लोग उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन आवाजों को दबाने के लिए हर वो हथकंडा अपना रही है जिससे सरकार की, भारत की हर जगह सिर्फ बुराइयां होती हुई नजर आ रही है।